मुरादाबाद के भोजपुर थाना के पीपलसाना में एक विधायक समर्थकों ने घर में घुसकर एक युवती की पिटाई कर दी। पीपलसाना में रहने वाले निराले की बेटी शाजिया और सबसे छोटी बेटी तमन्ना घर के बाहर खेल रही थी, तभी शाजिया ने तमन्ना को डांटा। उस वक्त पड़ोस में रहने वाला तंजील वहां से गुजर रहा था। तंजील को लगा कि शाजिया उसे डांट रही है। इस बात पर तंजील घर गया और परिवार के सभी लोगों के साथ निराले के घर में घुस गया और शाजिया पर हमला किया और पूरे परिवार को पीट डाला। पीड़ित परिवार जब भोजपुर थाना पहुंचे तो पुलिस ने उल्टा पीड़ित के परिवार को बैठा लिया। शाजिया ने बताया कि थाने में विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने फोन कर उन लोगों को छोड़ने की बात कही है, क्योंकि तंजील सपा के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के समर्थक है। शाम 3 बजे जब शाजिया के सर से ज्यादा खून बहने के कारण तबीयत बिगड़ गई, तब पुलिस ने उन्हें छोड़ा, लेकिन पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। लखनऊ में पीड़ित परिवार की मां, चाचा और 6 बहनें मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंची है, जिसकी खबर पत्रकारों के माध्यम से पुलिस को जब लगी तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SP देहात अखिलेश नारायण सिंह ने तुरंत भोजपुर थाना इंचार्ज प्रेमचंद्र शर्मा को पूरे मामले की जानकारी देने को कहा। SP देहात अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि शुक्रवार को पीपलसाना में दो पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों तरफ से लिखित में तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा लिखा गया है। विधायक हाजी इकराम कुरैशी के नाम पर उन्होंने कार्रवाई की बात कही और कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। कहते हैं मेरी छोटी सी बहन थी, वो रेते में खेल रही थी, मैं उन्हें डांट रही, मतलब मैं उनसे करी अगर तुम्हारे लात पड़ेगी ना रेते में घुस जाओगी, तो वो सब मुझसे कर लगे गाली दे के तुमने मुझे गाली बकी, मैं करी मैं आपको गाली क्यों बकती, तो इस बात पे मुझे तो हमारा मेरी बहनों को हमारा 7 बहन है, हम घर रह गई और कुछ वहाँ गई हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? तंजील अहमद है, अकबर अली हैं, मोहम्मद अली हैं, हासिम है, आसिफ है, और कहते हैं वो है साबिर। साबिर जी वो इनके विधायक के ऊपर पूछते हैं, हाजी इकराम कुरैशी को लड़ाया था ना उन्होंने, तो उनके ऊपर कहते हैं कि हमारे तो विधायक है, हम तुमसे घर खाली कराएंगे, और हमें छेड़ते सब बहनों को, जान जान बहन है ना उन सबको छेड़ते वो भैया। हम लखनऊ गए हैं, हमें वो ऐसा क्यों सता रहा है, हम ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ सजा मिलनी चाहिए, लड़कियों को कुछ इंसाफ नहीं है, थाने में हमें बिठा लिया थाने में उन्होंने। किससे मिलने गए आप? CM से इस बात की शिकायत करनी है जी। थाने में हम गए थे, कहते वो कहने लगे कि ये पान का थूक है, ये तुम बहाने कर रही हो, बहुत सारी बात है, और हमें बिठा लिया। हमारी मम्मी टॉयलेट करने के लिए गई तो उनके साथ मतलब लेडीज पुलिस गई, नहीं तुम मुजरिम हो, और हमें मतलब हमारी गलती बता दी, उन्होंने पैसा दिया था, अंसारी रहते तो उन्होंने फ़ोन किया थाने को कि ये छुपने नहीं चाहिए, बहुत सारी बातें की उन्होंने, तो कहने लगे ये मतलब बहुत हेकड़ा है, ऐसा वैसा कर रहा है, हम बहुत हेकड़ा है, उनको गोश्त पकड़ा गया था ना, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने पकड़वाया है। हम अपनी भांजी को देखना है, इन्होंने मारा मार पिटाई करी अंसारियों ने, अकबर अली सूका और हजरत क्या मैम उन्हें मोहम्मद अली और कौन तो नाम तुम्हारा वो हमारी बहन जी वहाँ का छोटी सी थी, मतलब उसकी बहनों ने मिला कर बाहर भेजा खेलने के लिए, तो वो रेत में जाकर बैठ गई, तो वो डांट रही थी, ये हमारी बहन जी ना उठ रही सिंह से रेत में से ना मारवी तो जा लात मारवी तो ना उठ जा, तो एक हम वो निकल रहे थे बराबर से, तो बोले मैंने गाली देकर ना तेरी माँ को ऐसा करूँ कि मैं मुझे गाली दे रही है देखते थे, बोली ना ना भाई साहब मैं तुम्हें क्यों देती गाली, मैं तो अपनी बहन को डांट रही रेत में से, तो एकदम मार पिटाई हुआ इसके हाथ मार दिया। मारने वाले कौन लोग हैं? तंजील और अकबर अली लोग रखते हैं लोग? हाँ सर रखते हैं, हाजी इकराम से। हाजी इकराम हाँ कुरैशी से। आपके पास आया कोई उनका? ना हमारे पास तो अभी तक तरक्त नहीं आया, अगर थाने में हाजी इकराम ने वकरा ना इनकी रिपोर्ट वपोर्ट नहीं होगा। हाँ कब की घटना है आपकी? जुम्मे के दिन के 9 बजे। अच्छा आप थाने गए?
हाँ थाने हाँ शिकायत करी तो बिठा लिया कोई नहीं करी और अभी तक शिकायत दर्ज करी गई आपकी नहीं करी कुछ तो अब आपके परिजन कहाँ गए और आप क्या चाहते हो हाँ हाँ गए नखलाओ जब यहाँ बूझ बूझ नहीं हो रही थाने में कोई बात नहीं हो रही हाँ जब से वो लखनऊ गए तो आपको कोई दबाव वगैरह आया कुछ लोगों का निकल से तो नहीं आया परसों पुलिस वाले खाट में चूल्हा पूल्हा फोड़ गए थे गाल में बकरे थे कह रहे थे सब हो जाओ जेल वहाँ ऐसा कर दूँ अभी ऐसा कर दूँ इनके हर तक कोई छोटा सा बच्चा मिले तो पकड़ कर ले जाओ पुलिस वाले कह रहे थे रिपोर्ट दर्ज नहीं करी नहीं करी बिल्कुल भी 3 बजे छोड़ा जब बहुत हमने अपने आदमियों से फोन करवाए मतलब हमारे गाँव के प्रधान उदान थे तब जब 3 बजे निकाल दिया कह दिया तुम्हारी पर्ची खो गई पीपलसाना थाना भोजपुर में दिनांक 7 अप्रैल 2017 को झगड़े की बात संज्ञान में आई थी दोनों तरफ से तहरीर मिली थी जिस पर एक तरफ से 147 से 49 से 49 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था और एक तरफ से जो लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी उसके आधार पर 323-504 IPC का अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है कुछ नए तथ्य आज जो आप बता रहे हैं वो संज्ञान में आया है उसको भी संज्ञान लिया जाएगा और विवेचना के दौरान अन्य जो भी साक्ष्य मिलेंगे जो भी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो भी चोटें जिस नेचर की हैं उस सबको सम्मिलित करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई विधि के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी जो भी तथ्य है सबकी छानबीन की जाएगी क्योंकि जो लिखित तहरीर मिली थी उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी दोनों तरफ से लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।